आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया है, एक संख्या को x परसेंट बढ़ाया जाता है तो वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए x परसेंट, बी 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंट, सी 10x अपॉन 100 प्लस x परसेंट और डी x अपॉन 100 प्लस x परसेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या करना है। हमें माना कोई नंबर है हमारा 100, ठीक है, इसमें हमें x परसेंट बढ़ा दिया प्लस x, ठीक है, x परसेंट बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा। x परसेंट बढ़ाने पर हम इसको कह सकते हैं ये भी परसेंट में है, ठीक है, 100% है, उसमें हमने x परसेंट बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x परसेंट। ठीक है, अब हमें इसमें से कितना घटाए कि जो वापस हमारा 100 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं माना नंबर 2 है, ठीक है, अब इसमें से कितना घटाए। अब देखो इसे घटाने के लिए सबसे पहले हमें इसको 100 में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसको हमें 100 में से माइनस करेंगे तो 100 ये अलग इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि हमें पता चले x, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो डिफरेंस निकालते हम, तो हमें यहाँ से डिफरेंस पता चल जाएगा जो हमारा कितना आएगा x। देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या होता है, ठीक है, तो उस निकालने के लिए हमें डिफरेंस अपॉन जिस पर हमें निकालनी होती है वो, ठीक है, वो नंबर हमें पता चलना चाहिए, इनटू 100, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना है x और हमें निकालनी किस पे है 100 प्लस x पे, तो x अपॉन 100 प्लस x। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो ये बराबर जो हो जाएगा हमारा 100x अपॉन 100 प्लस x, ठीक है, और यही हमारा क्या होगा आंसर, जो हमसे प्रश्न में उत्तर पूछ रहा है वही है हमारा इसका ये उत्तर। तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।